एक्टिव पैसिव। देखिए एक्टिव पैसिव तो खैर मैं ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं सकता, पर एक्टिव पैसिव की एक पहचान बताता हूँ आपको। बेसिकली पता है एक्टिव पैसिव हमें समझ में नहीं आता कौन सा सेंटेंस एक्टिव में पढ़ेगा बनेगा और कौन सा पैसिव में। देखिए मैं एक्टिव पैसिव के नियम नहीं बता रहा, पर एक खबर बता दूं आपको अच्छी। हमें लगता है पैसिव वॉइस मुश्किल है, मैं आपको बता दूं पैसिव वॉइस 12 गुना आसान एक्टिव से। उसका कारण बताता हूं क्यों है। दरअसल एक्टिव के हर स्ट्रक्चर में हर सेंटेंस में वर्ब्स बदलती हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें भी सिंगुलर के साथ ऐसी आई एस नहीं तो इसमें हो जाएगा। आप पास्ट में जाओगे तो भैया पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगाओ, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यहाँ आईएनजी लगाओ, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाओ। दोस्तों एक्टिव पैसिव कैसे बनाता है बहुत दूर की बात है, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ। हिंदी का सेंटेंस और वही सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करता हूँ दोस्तों, जो थोड़ी बहुत मैंने इंग्लिश में कोशिश करी है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस हिंदी में देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नियम तो खैर आप सीख लेंगे, पता कैसे करेंगे? अच्छा एक पॉइंट समझिए मेरा, जो मैं इस समय फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट में बात कर रहा हूँ, हम मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव और पैसिव पर। तो पैसिव वॉइस कैसे पता करें? डायरेक्ट देखो, हमें बचपन से ये सिखाया गया था आई प्ले क्रिकेट। अब इसकी पैसिव बना लो जी क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इसकी हिंदी क्या होती है? क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। मैं उन महान लोगों को ढूंढ रहा हूं जो ऐसे सेंटेंस बोलते हो। आज तक आपने कभी बोला क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है? किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, इंग्लिश मेरे, अरे जब मैं ही पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल दूं ना मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जब क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है तो मैं सेंटेंस को कैसे बोलूंगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं? दोस्तों असली पैसिव वो होती है, हमें पैसिव की पहचान बचपन से बताइए, उसके लास्ट में बाई आता है। मैं आपको बता दूं जो असली पैसिव है उसमें बाई आएगा ही नहीं। अगर बाई आ गया तो भाई फिर बाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। होता क्या है, मैं आपको हिंदी के सेंटेंस पहचानने की बता रहा हूं, बहुत सिंपल। जिन सेंटेंस सुनना दोस्तों, जिन सेंटेंसेज के लास्ट में जाता है, अगर इंडेफिनिट है तो जाता है, प्रेजेंट है तो जाता है, फ्यूचर है तो जाऊंगा, कंटिन्यूस है तो जा रहा है, चाहिए का सेंटेंस है जाना चाहिए, सत्ता का शब्द है जा सकता है, जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में 99% आइडेंटिफिकेशन पहचानने का तरीका बता रहा हूं, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में जाता है, जाऊंगा, जा रहा है, जाना चाहिए, आए, पर उसका मतलब गो से ना हो, वहां जाने का मतलब चल के कहीं जाने से या गो से ना हो, तो समझ लेना 99% डेफिनेटली ये क्या है? पैसिव वॉइस। कैसे? यहाँ गिटार सिखाया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? जाता है। यहाँ जाने का मतलब गो से है, क्या गिटार कहीं चल के जाता है? नहीं भैया, 99% ये पैसिव है। दूसरा और पक्का करना है, इसमें करने वाला दिया ही नहीं होता, बताइए गिटार कौन सिखाता है? नहीं मालूम। हकीकत में बताऊं दोस्तों, सवाल ये नहीं है गिटार कौन सिखाता है, ये दिया नहीं है, सवाल है इससे फर्क भी नहीं पड़ता आपको। इन सेंटेंसेज में डूअर कौन है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे? आपका रोल नंबर घर भेज दिया गया है, लास्ट में क्या आया? गया। गया है, जाने की फॉर्म है ना, गया है, लेकिन ये चल के जाने से है क्या गया का मतलब? नहीं जी, 99% पैसिव वॉइस है। किसने भेजा? मैं आप कह रहे हो इसमें दिया नहीं है डूअर, मैं उल्टा कह रहा हूं, क्या इसमें डूअर से कोई फर्क पड़ने वाला था? सुमित की जगह अमित भेजे, अमर की जगह समर भेजे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो जहां सेंटेंस के हिंदी के लास्ट में जाता है, जाऊंगा, जा रहा है, आए, और उसका मतलब गो से ना हो, तो 99% श्योर हो जाइएगा ये पैसिव वॉइस है, और जो उस पर पैसिव का इंप्लीमेंटेशन होता हो वो आप लगा दीजिएगा। पैसिव का जितनी भी टेंशन है मैं एक मिनट में दूर कर दूंगा आपको पैसिव की। मैं आपको रूल बता रहा हूँ पैसिव में, आपने सुना होगा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, इसमें विल बी प्लस। मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ पैसिव होती क्या है। पैसिव के हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगेगी, पहला नियम। दूसरा नियम बता रहा हूं, जो उसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, उसके एक्टिव के स्ट्रक्चर में जो मेन वर्ब लगती है, वर्ब की, बी वर्ब की वही फॉर्म आप पैसिव में लगा दीजिए। प्रैक्टिकली उदाहरण दे रहा हूं, समझ लेना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अगर इसकी पैसिव बननी हो, अगर हम ये बोले इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आप ये देखो जा रही है, जाना आया, गो से मतलब नहीं है, पैसिव वॉइस है। अब रहा, रही, रहे में कौन सी फॉर्म लगती है? ईजेमआर लगती है और आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आप कुछ मत करिए, ईजेमआर लगाइए और बी की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, इंग्लिश इज बींग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। आपको पैसिव में, हर पैसिव में बी की फॉर्म लगानी है। बी की कौन सी फॉर्म लगेगी? जो उसके एक्टिव में मेन वर्ब की फॉर्म लगती है। मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, इसकी पैसिव बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, आप तो देखो जाएगी, यानी जाना आ गया, पैसिव वॉइस पक्की है। अब ये फ्यूचर है ना, जाएगी, तो बताओ फ्यूचर में एक्टिव में कौन सी टेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आई विल गो, फर्स्ट फॉर्म।
अब आप बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और उसकी वही हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव में लगते हैं वही जोड़ दो, इंग्लिश विल बी लगाओ, इंग्लिश विल बी टॉट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का कोई टेंस हो, खाना खा लिया गया है, खाना खा लिया गया है आ गया है, तो पैसिव वॉइस है। आप ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है एक्टिव में, थर्ड फॉर्म, आप बी की थर्ड फॉर्म जोड़ दो उसकी हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन, फूड हैज बीन ईटन,